आई एम हिंग यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड फर्स्टली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन यू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को कैसे सबमिट करवा सकते हैं और क्या प्रोसेस है आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है तो सबसे पहले कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए एंड देन फाइनली आपने फिर आपने चालान लेना है चालान को फिर आपने बैंक में सबमिट करवा देना है बट ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे है चालान जो है आपने जनरेट करवाना है उसकी फी भी होगी और इसके अलावा जो चालान आप लोगों का बाद में चाहे वो एच पी एल की ब्रांच है या फिर कोई भी आपको बैंक जो अलॉट किया गया है आपने उसमें चालान जमा करवाना है एंड देन उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट हाउ टू अप्लाई द नंबर वन यू मस्ट अ फोटोग्राफ अ मोबाइल फोन ईमेल सीएनआईसी कॉपी ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और हर फादर एंड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टीमोनियल्स बिफोर स्टार्ट कि आप लोगों के पास जो है मोबाइल नंबर फोटोग्राफ सी एन आई सी अपना और आपके फादर का और साथ आपकी जो डिग्रीज हैं उन सब की कॉपी होनी चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन एट गिवन ब्लॉक फ्रॉम यूजिंग योर मोबाइल नंबर आप लोगों ने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर होना है कंप्लीट योर ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना है अचलान फॉर्म फॉर फी फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस फी वर्थ कि आप लोगों का एक चलान फॉर्म भी होगा ठीक है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी उसकी मतलब मेंशन की गई है फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ विल बी जनरेटेड विच कैन बी डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ एच पी एल कि आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा मतलब आपका वो एक जनरेट किया जाएगा आपने क्योंकि अप्लाई करना होगा उसके लिए फ़ी वॉर्थ भी यहाँ पर मैंशन की गई है और फी वॉर्थ जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं चाहे इस साल करें हैं या अगले साल आप अप्लाई करें हैं तो आप लोगों की फी वो आप लोगों ने देख लेनी है कि आपकी है कितनी वरना आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है कि आपने फी कम सबमिट करवाई है तो ये एक प्रोसेस है ये आप देख लीजिएगा फी क्योंकि हर साल जो है चेंज होती रहती है देन कैंडिडेट हैज़ टू अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ दिस डिपॉजिटेड इज इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर इट्स फाइनल सबमिशन उसके बाद आपने स्कैन कॉपी को भी अटैच कर देना है एंड देन फाइनल सबमिशन के लिए बट बिफोर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन आपने जब अप्लीकेशन को सबमिट करवाना है मेक श्योर डेट ऑल द रिक्वाड इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड करेक्टली बिकॉज कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट हीज और हर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसी वक्त उसको ठीक करें वरना बाद में कोई एडिट करने का ऑप्शन आपके लिए नहीं रहता तो ये जो है काम बहुत ज्यादा एहतियात से करने वाले होते हैं वैसे भी एंड देन आपने करना क्या है कम्प्लीट य ऑनलाइन फॉर्म आपने वेबसाइट पे जाना है अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना है देन चालान फॉर्म फॉर अप्प्लीकेशन प्रोसेसिंग फी आपने कर ली और उसके बाद आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी टू अप्लाई फॉर एन अदर प्रोग्राम अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं कैंडिडेट हैज़ टू क्रिएट और सबमिट एन अदर अप्लीकेशन विथ न्यू प्रोसेसिंग फ़ी तो फिर आपने नई प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी होगी आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन अप्लीकेशन और जो भी आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है उससे पहले आपने इस काम को कंप्लीट कर लेना है प्रोग्राम वाइज मैस्टर लिस्ट विल बी डिस्प्लेट फॉर थ्री डेज टू एंटरटेन डेटा क्योंकि जब उन्होंने मेरिट uh, लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दी जाती है तो तीन दिनों के अंदर आपने ये uh, सारा कुछ कर लेना होता है और करेक्शन रिक्वेस्ट थ्रो कैंडिडेट अकाउंट्स क्योंकि करेक्शन आप लोगों की करेक्शन रिक्वेस्ट है तो फिर आपने जब वो डेट अनाउंस कर दी गई है तो उसके तीन दिन के अंदर आपने सब कुछ ठीक कर लेना है आफ्टर थ्री डेज नो करेक्शन विल बी इंटरटेन एट एनी कास्ट लेकिन उसके बाद आपकी कोई भी करेक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एंड देन सक्सेसफुल कैंडिडेट विल भी इंटीमेटेड हुआ एस एम एस ई मे एंड वेबसाइट पोर्टल उसके बाद जब आप अपना चालान फॉर्म और ये सारा जो एक चालान आपका जनरेट हो चुका है आपकी अप्लीकेशन से तो ये सारा कुछ जब हो जाता है तो आपके पास एक क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है एडमिशन फॉर्म में कि आपने अपना फोन नंबर मेंशन करना है और जब आप अपना फोन नंबर मेंशन कर देते हैं तो जब आपका फॉर्म सेंड हो जाता है तो आपको एक ऐसा मैसेज रिसीव होता है वो होती है आपकी कंफर्मेशन कि आपका एडमिशन जो है वो हो चुका है एंड देन एट द टाइम ऑफ सबमिशन द कैंडिडेट विल बी रिक्वाजिनल Terminal degree DMC. Application form. Copies of all academic testimonials. CNIC. And an affidavit on stamp paper of minimum RAS 50H. रुपीज फिफ्टी एट रेलिवेंट डिपार्टमेंट तो फिर ये कुछ और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको देखेंगे लेकिन आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में ये कुछ स्टैम्प पेपर और ये कुछ फी लिखी गई है ये भी आपने सबमिट करवानी है द रिलेटेड डिपार्टमेंट विल जेनेट इन फी चलान फॉर्म उसके बाद आपका फी चलान फॉर्म जो है उसको जेनरेट किया जाएगा आफ्टर डिपोजिटिंग चालान आपने अपना चालान डिपॉजिट करवा दिया इन एनी एच ब्रांच

मतलब सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा लास्ट प्रोसेस आपका एच एल की ब्रांच है उसको आपने रिलेटेड डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दिया वहां पर जो डेट मेंशन थी चालान के ऊपर और क्योंकि ये प्रोसेस है और उस डेट के अंदर आपने अपना एडमिशन जो आपको अलॉट कर दी जाती है आप उसी के अंदर एडमिशन करवाते हैं जब डेट ऊपर हो जाती है तो फिर आपको डबल फी के साथ करवाना पड़ता है नंबर एक और दूसरी बात ये कि बस दफा होता भी नहीं है तो सेपरेट एडमिशन नोटिस जो आप कहीं और से करेंगे तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अब आ जाते हैं हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने अनाउंस की है डेट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होने हैं तो उनके लिए भी उन्होंने डिफरेंट डेट्स अनाउंस की हुई हैं तो ये एक नोटिस आया है पंजाब सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है सरगोदा यूनिवर्सिटी इसकी तरफ से तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं

ए डी ए डी एस पार्ट वन प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी हेल्थ एंड फ़िजिकल एजुकेशन एंड बॉटनी इसके लिए डेट अनाउंस की गई है एटीन जैन और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और ट्वेंटी थ्री जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिस्पेक्टिवली उसके बाद नंबर टू पर देखें प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ एट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ फोर्थ एंड सिक्स सेमिस्टर ये आपके फोर्थ और सिक्स सेमिस्टर के हैं फॉर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ओनली द जनवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नंबर थ्री प्रैक्टिकल एग्जाम्स थर्ड और फिफ्थ सेवेंथ टर्म के ये होंगे 25 जनवरी 2021 को सेकंड सेमेस्टर थर्ड जो ये यह, uh, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर मेंशन किया गया है एग्जामिनेशन का इसकी डेट है जनवरी 27 2021 एमए एमएससी एमकॉम पार्ट वन कंपोजिट सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 रिमेनिंग पेपर्स जो इनके रह गए हैं 2019 के और 2020 के तो वो होंगे फेब में, फेबरी फोर वन. Then आपके आ जाते हैं पे, फर्स्ट एनुअल एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी इसमें आपको जो डेट मेंशन की गई है वो है फेबर में 15 2021, amid exam 2019, ये होंगे 15 में सेम डेट ही इनकी तो ये भी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एंड नंबर लास्ट नंबर पे ये आ जाते हैं एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एनुअल एग्जामिनेशन है ये 2020 के तो ये आप देख सकते हैं फेबर 15 2021 इस पे डेट मेंशन की गई है बाकी ये कुछ इनके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके काम की नहीं है तो ये था एक नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है बट एस जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी नई अपडेट है एजुकेशन से रिलेटेड या कोई नए एडमिशन हैं तो उससे रिलेटेड या कोई प्रोसेस है तो वो मैं आपको गाइड करती रहूँगी और इसी तरह से जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनके लिए आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें और स्टे कनेक्टेड टू तो माय यूट्यूब चैनल बट डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक एंड मेम्बर इन योर प्रेयर्स ओके देन दैन अलाफेज